तो अभी मैं आपको मिलवाने वाला हूँ साइंस के जो भी स्टूडेंट है साइंस में अच्छा नंबर लाए हैं, और किस तरीके से इतना अच्छा नंबर लाए हैं थोड़ा सा मैं बात करने की प्रयास करूँगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंद्रकांत कुमार है, और हमारे ही देख रेख में जितने भी बच्चे हैं, खासकर अक्टूबर के जब बैच सेशन चालू हुआ था, तो कांत फिजिक्स ऐसे मैं ऑनलाइन भी एडुकेशन देने का काम करता हूँ, लेकिन जब इस संस्थान में हम ज्वाइन किए थे तो ये लोग हमारे टारगेट बैच में थे, जिसमें हमने प्रॉमिस किया था कि आप लोग को 85 से लेकर 90 प्लस हम लोग साइंस में लाएंगे, और इस प्रकार हमने दिया है जो बच्चे आपके सामने हैं। प्रत्यक्ष की प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और मैं यह बता देना चाहता हूँ कि मैंने उगते हुए सूरज को देख के ही बता देता हूँ कि दिन कैसा होता है, एक टीचर की अंदर की सच्चाई होती है, और मैंने यह देखा कि यह बच्चे कुछ करेंगे। और इसीलिए 16 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर रहा करता था नवंबर के महीने में, उस टाइम में दोपहर में यह चारों पांचों जो आप देख रहे हैं 400 प्लस 90 प्लस सबका, इसमें 85 90 प्लस इसका साइंस में मार्क्स है, यह सभी मेरा प्रयास था, बशर्ते इन सभी का मेहनत था। अच्छा अच्छा, चलिए आपका क्या नाम हुआ? राजनंदिनी कुमारी। कितना नंबर आया साइंस में? 89। किसका किसको क्रेडिट देना चाहेंगे आप 89 नंबर लाए हैं? सर को ज़्यादा क्रेडिट सर को देना चाहेंगे, क्योंकि जो भी पढ़ाते थे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था ना आप? हो जाता था। अच्छा, आपका क्या नाम है? स्नेहा। कितना नंबर आया? 91। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? पायल कुमार। आपका कितना नंबर आया? 90। और आपका? 84 आया। चलिए, तो आपका कितना नंबर आया? 90 नंबर आया। चलिए, तो आप का पढ़ाने का क्या तरीका है, कैसे बच्चों को समझाते हैं, पूरा पहले बेसिक कंप्लीट करवाते हैं या फिर किस तरीके से पढ़ाते हैं? देखिए, अभी के डेट में अगर साइंस को पढ़ना है तो दो तरीके से पढ़ना पड़ता है। अगर आप बेसिक वे में लेकर चलेंगे तो साइंस को एक अच्छी ढंग से पकड़ तो कर पाएंगे, लेकिन स्कोर नहीं कर पाएंगे। अभी का दौर क्या है कि स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है। हम बार बार बच्चों को बताते हैं कि कोई चीज़ को पढ़ना है, जैसे कि चार्ज के बारे में पढ़ना है, तो चार्ज में इस लोग को सिखाते हैं कि क्यू बराबर एनी होता है, यानी जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगा उसके अंदर चार्ज होगा। उसी प्रकार बहुत सारे एवरेज में बच्चा है जो आपसे अच्छी शिक्षा जरूर ले चुके हैं, लेकिन स्कोरिंग नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा स्कोरिंग का यहाँ पर सबसे बड़ा दायित्व बच्चों में हम ये सिखाते हैं कि तुम जिस चीज़ को पढ़ते हो अपने आप में रिलेट करके पढ़ो, क्योंकि फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक, जो आँखों से दिखे उस पर चर्चा की जाती है, और केमिकल का मतलब होता है जो आंखों से न दिखे उसकी चर्चा की जाती है। तो गांव में माहौल है कि रसायन शास्त्र पढ़ाने का पढ़ाता है, लेकिन आज तक तो कोई लैब किया नहीं जिसके कारण उनको समस्या थी, लेकिन भौतिक विज्ञान में जो ये लोग पढ़े हैं उन्होंने, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है और आपके सामने वह परिणाम दिख रहा है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर सर, और बहुत कम उम्र में इतना ज्ञान हासिल किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने गाँव में रह के ही गाँव का सेवा कर रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आज चार कैंडिडेट आया है, आने वाला समय में 400 कैंडिडेट आएगा, फिर आने वाला समय में 4 लाख कैंडिडेट होगा, राइट ना? तो इस तरीके से अभी आपका शुरुआत है, अभी आपका नहीं, से पिछला बार भी हम लोग दिए थे 418 नंबर के साथ, हमने हाई स्कूल टॉप दिए थे पिछला बार इंटर के, और इस बार हमने 4 टॉपर को दिया है, और आने वाले समय में हमारा उम्मीद है कि यह आंकड़ा बढ़ेगा ही, घटने का नाम नहीं लेगा। बिल्कुल 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 बढ़ेगा, क्योंकि इसमें आपको भी मेहनत करना होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों से आप मेहनत करवाइएगा, क्योंकि आपको हमेशा इस चीज़ पे फोकस करना होगा कि साइंस जो होता है वो जितना ज़्यादा आप उसको एक्सप्लेन कीजिएगा उतना कैंडिडेट को समझ में आएगा। जब तक आप उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कीजिएगा ना, फिर बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं, मुझे लगता है कि बच्चों को क्लियर समझ में आया होगा, इसके वजह से ही इतना अच्छा नंबर ला पाए हैं क्या? चलिए, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह आप पढ़ाते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भी सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप भी मेहनत कीजिए, और इनके ही तरह आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सर को भी मदद मिल पाए, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।